हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में। दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी खबर है कि csvtu से अगर आप बी कर रहे हैं तो आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि यदि आप csvtu से अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये उनके छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उनको अब आज से बीटेक की डिग्री मिलेगी। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे हम आगे, अभी आप देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि भिलाई, जो कि csvtu भिलाई में स्थित है, तो वहाँ से जितने भी कॉलेज इंजीनियरिंग के आपके एफिडेविट हैं, तो यहाँ वहाँ से अगर आप करते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी। यहाँ से आप ये न्यूज़ दे सकते हैं जिसमें कैसे लिखा गया है कि csvtu से इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने नियम बदल दिए हैं। अब आरवी, आरआरवी और अपीलिएट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं में मुख्य परीक्षा के अंक भी नहीं घटाए जाएंगे। यदि आप उसमें रिवेल या रिवेल्यूशन का फॉर्म भरते हैं अगर, तो अब आपके उसमें जो मार्क्स ओरिजिनल मार्क्स कम नहीं होंगे। यदि नंबर आपके बढ़ते हैं तो वो बढ़ाए जाएंगे, आपके नंबर जो हैं वो अब कम नहीं किए जाएंगे। ये उस जो कार्य समीक्षा की गई थी उस कमेटी में, ये उसमें फैसला लिया गया है। दोस्तों, स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस बैठक की अध्यक्षता में कुलपति डॉक्टर एम के वर्मा ने की और रजिस्ट्रार के वर्मा भी बतौर वहाँ पर मौजूद थे, उसमें जैसा लिखा गया है। और बता दूं कि देवेंद्र यादव को मनोनीत किया गया था। कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि यह परीक्षा निजी एजेंसी के हाथों में नहीं दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, अब इसकी खुद व्यवस्था करेगी। अब विद्यार्थियों को ग्रेस के रूप में 5 अंक मिलेंगे। दोस्तों, जहाँ पहले आपको 4 मार्क्स जो भी मिलते रहे होंगे, यदि किसी छात्र को 495 अंक मिले हैं तो 5 अंक बोनस के रूप में उसे उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। ये इसमें भी निर्णय लिया गया है। हेलो स्टूडेंट, और एक बात बता दूं आपको मैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि बीटेक आपका जो बी है वो आपका कहलाएगा बीटेक। इसके बारे में थोड़ा आपको न्यूज़ बता देता हूँ आपको। अभी तक csvtu से इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों को बी की डिग्री मिला करती थी, लेकिन इस सर्टिफिकेट की डिग्री में कुछ अब बीटेक लिखा रहेगा। इस नियम में बदलाव किया गया है जो कि इस साल से आपका लागू हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि आपको पता है कि NIT IIT से अगर आप करते हैं अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो वहाँ पर बीटेक की डिग्री मिलती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो है बी की डिग्री मिलती है आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए इस साल से जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक सूचना और है कि शुरू होगा MBA और फार्मेसी। विश्वविद्यालय की UDD में 7 विषयों में स्नातकोत्तर पढ़ाया जाता है। अब यहाँ से मैनेजमेंट और MBA की भी जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये आपकी जानकारी आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो बड़ी जानकारी थी स्टूडेंट्स, वो थी कि अगर आप बी की डिग्री यहाँ से कर रहे हैं csvtu यूनिवर्सिटी से, तो आपको बीटेक की आपको डिग्री मिलेगी। ये आपकी बड़ी खबर थी। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर थी, और कोई जानकारी मिलेगी तो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।